हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। मैं हूं प्रतीक ठक्कर। फ्रेंड्स, आपको थंबनेल पर से आइडिया आ ही गया होगा कि आज का वीडियो किसके लिए है। फ्रेंड्स, बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ ही दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस भी आते होंगे कि बीटेक करने का क्राइटेरिया क्या है, बीटेक में कौन सी ब्रांचेस आती है, बीटेक के लिए कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है, और बीटेक करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं बीटेक कैसे करना है और देखते हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीटेक होता क्या है। बीटेक का मतलब है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो भी विद्यार्थी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो ये बीटेक कोर्स कर सकते हैं। बीटेक टोटल 4 साल का कोर्स होता है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। बीटेक की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमने देख ली, पर अब बीटेक करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है वो जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, बीटेक करने के लिए आपको 10th क्लास के बाद 11th क्लास में साइंस लेना होगा, और उसमें भी ए ग्रुप यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स लेना होगा। और दूसरी बात, बीटेक कोर्स करने के लिए आपको 60% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि बीटेक करने के लिए कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होता है। तो बीटेक में सबसे टॉप कॉलेजेस में आते हैं आईआईटीज, जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ 23 ही है, जिसमें लगभग 13376 सीट्स है। सो टॉप कॉलेजेस में आईआईटीज आते हैं, और उसके बाद सेकंड रैंक पर आता है एनआईटीज, और लास्ट में हम गिन सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि इसमें एडमिशन और कट ऑफ क्या होता है। जो स्टूडेंट्स आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको इंडिया लेवल पे आईआईटीज एक परीक्षा लेती है जिसका नाम है जी मेंस एंड जी एडवांस, जो आपको देनी पड़ती है और उसे पास भी करनी पड़ती है। जी मेंस की परीक्षा को क्लियर करने के बाद ही आप जी एडवांस के लिए एलिजिबल होते हो। और अगर आप जी मेंस क्लियर ना कर पाए पर आपकी जिद है कि आपको आईआईटीज में ही एडमिशन लेना है, तो आप 1 साल ड्रॉप करके अगले साल भी ट्राई कर सकते हो। जी मेंस और जी एडवांस, इन दोनों में अच्छे मार्क्स आने पर आपके लिए आईआईटी का दरवाजा खुल जाता है और आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपको आईआईटीज के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, और मैंने वो लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, जिसमें आपको आईआईटी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। So, इस वीडियो के बाद अब वो वीडियो भी देख लेना। एंड हाँ, अगर जी मेंस एंड जी एडवांस में आपके मार्क्स आईआईटी लेवल के नहीं है, तो आप एनआईटीज में भी एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप दोनों में क्वालिफाई ना कर पाए, तो आप स्टेट लेवल की जो एग्जाम होती है, लाइक गुजरात में होती है गुजकेट, वैसे आप अपने स्टेट की एग्जाम देके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। और कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, सो उसको क्लियर करके भी आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी ब्रांचेस सिलेक्ट करनी है। बीटेक में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ईसी इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ऐसी कई सारी ब्रांचेस बीटेक में होती है। सो अभी ब्रांच सिलेक्ट कैसे करनी है? यदि आपका इंटरेस्ट इसमें है कि यह सारी बिल्डिंग्स, बंगलोज और ताजमहल वह सब कैसे बने हैं, तो आप सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हो। यदि आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले सकते हो। यदि आपका इंटरेस्ट बाइक्स एंड कार्स में है कि बाइक्स कैसे बनती है एंड कैसे काम करती है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हो। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्ट है, तो आप ईसी इंजीनियरिंग भी ले सकते हो। इस तरह आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार ब्रांचेस सिलेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। बीटेक में प्राइवेट कॉलेजेस में फीस लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में होती है, एंड वहीं पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस 1,000 से 10,000 तक हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि बीटेक करने के बाद आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। बीटेक करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जॉब ले सकते हो। जो स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, उनको बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में करना चाहिए। आप दूसरी ब्रांचेस भी ले सकते हो, पर ये ब्रांचेस में प्राइवेट सेक्टर में जॉब दूसरी ब्रांचेस की कंपेयर में बहुत ज्यादा मिलती है। एंड अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेनी है,
तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हो। और बीटेक में आप कैंपस प्लेसमेंट से भी जॉब पा सकते हो। कैंपस प्लेसमेंट में अच्छी अच्छी कंपनियां आकर आपका इंटरव्यू लेती है एंड आपका इंटरव्यू क्लियर होने पर आपको अच्छी जॉब भी देती है। सो आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी जा सकते हो। यदि आपको कैंपस प्लेसमेंट में जॉब नहीं मिलती है तो आप अपना रिज्यूम लेकर दूसरी प्राइवेट कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यह थी बीटेक की पूरी जानकारी। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 100% चीजें कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट करें, एंड अगर किसी ने डाउट पूछा हुआ है और आपको उसका आंसर मालूम है तो प्लीज उन्हें रिप्लाई करके हेल्प जरूर करें। ये वीडियो मैंने बहुत इंफॉर्मेटिव बनाया हुआ है। सो जो स्टूडेंट्स 9th, 10th या फिर 11th, 12th साइंस में है, उन्हें ये वीडियो शेयर करें ताकि आपका एक शेयर काफी स्टूडेंट्स को हेल्प में आ सके। मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, एंड ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए स्टडी बडी क्लब को अब भी सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।